जिस तरीके से फीचर को मिस किया गया है जेटा में, मतलब नहीं दिया गया है, उस लिहाज से लग रहा है जो जेटा की जो कीमत होगी ना वो काफ़ी कॉम्पिटेटिव हो सकती है और हो सकता है आपको ये सरप्राइज भी करे। तो भैया जब गाड़ियाँ लॉन्च होती हैं ना तो खरीदने के लिए बहुत टेंशन होती है। वजह है आप अपने पसंद का वेरियंट चाहते हैं, आप अपने पसंद का कलर चाहते हैं और कंपनियाँ सिर्फ गाड़ियाँ बेचना जानती हैं और वो चाहती हैं सिर्फ आप इंतज़ार करो। मारुति सुजुकी की जिम्नी आ चुकी है, दो वेरिएंट में आई है और आपको किस वेरिएंट में क्या मिलेगा इसकी जानकारी दूंगा और साथ में ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आप किस चीज़ के लिए जिम्नी का इंतज़ार कर रहे हैं और क्या सच में थार जिम्नी का एक कट्टर प्रतिद्वंदी है या नहीं, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं NBT ऑटो पर वेरिएंट के बारे में। तो हमारी एक नई सीरीज है, कैसी लग रही है ये कमेंट करके भी आपको बताना है और अगर आप कुछ भी वेरिएंट के बारे में किसी गाड़ी के जानना चाहते हैं तो अब आज से यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आजकल क्या हो रहा है कि जब आप थोड़ा सा इंतज़ार करने लगते हैं गाड़ियों की बुकिंग में तो वहाँ पर वेटिंग पीरियड बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन जब जिम्नी आ रही है बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, 30,000 से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी हैं। इसका मतलब ये हो गया 2-2.5 साल की वेटिंग कहीं नहीं गई है, क्योंकि जो प्रोडक्शन प्लान है कंपनी का उसके हिसाब से बहुत जल्दी गाड़ी नहीं मिलने वाली है। इसलिए इन्होंने वेरिएंट को सिंपल रखा है, आपको जो बेस वेरिएंट मिलता है वो है जेटा और जो टॉप वेरिएंट मिलता है वो है अल्फा। तो जेटा में आपको जो चीज़ें नहीं मिलती हैं उसका जिक्र यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन आपको साथ में बताता चलूँ कि ये गाड़ी लगभग 50 साल बाद जब इंडिया में आई है तो यहाँ पर बहुत सारा बज क्रिएट हो चुका है। और ये किसकी कार हो सकती है इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, लेकिन अब बता देता हूँ कि ये उनके लिए होने वाला है जो सेकंड कार के तौर पर कुछ देख रहे हैं। अगर आप बहुत सारा कंफर्ट तलाश रहे हैं तो वहाँ पर आप डिसअपॉइंट 100% होने वाले हैं, तो वहाँ पर इस गाड़ी को मत देखिएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसी गाड़ी देख रहे हैं जो पेट्रोल में हो और आप उससे सब कुछ कर सकते हैं, 4x4 मिल जाता है क्योंकि ऑल ग्रिप ऑप्शन के साथ में आता है, बहुत ही कैपेबल है और बहुत ही अलग दिखती है, तो थोड़े टाइम तो इसका बज रहने वाला है। अगर आपके अंदर वो एडवेंचर है तो मुझे लगता है ये वाला वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये वेरिएंट क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जेटा में क्या क्या फीचर आपको नहीं मिलते हैं। इसके पहले लिस्ट पूरी बताऊं आपको जो मैंने बनाई है कि जेटा में क्या क्या मिसिंग फीचर्स आपको मिलेंगे, जो आपको टॉप वेरिएंट में मिलते हैं इसमें नहीं मिलेंगे। उसके पहले और जानकारी जाननी जरूरी है आपको। तो जो इंजन मिलता है 1.5 लीटर का केस सीरीज इंजन इसमें दिया गया है और ये आपको सारे वेरिएंट में मिलने वाला है, दो ही वेरिएंट है फिर भी सारा कहना उचित है यहाँ पर। तो जो इंजन है 1.5 लीटर वाला, ये पावर आउटपुट देता है 105 PS का और जो इससे टॉर्क निकलता है वो है 134.2 NM का और ये बहुत ही कैपेबल है। माइलेज 17 से ऊपर देगा ऐसा कंपनी क्लेम करती है, कभी मौका मिलेगा इसका माइलेज टेस्ट करके आपको बताएंगे कि जिम्नी ने मुझे कितना माइलेज निकाल के दिया है। तो ये सब चीज़ें आपको बाद में जानने को मिलेगी, सबसे पहले अब लिस्ट बता देते हैं। तो जेटा में जो आपको फीचर मिसिंग मिलने वाले हैं और जहां पर आप थोड़े पैसे बचाओगे अब यहां से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कीमत अभी नहीं आई है लेकिन जब कीमत आएगी तो उसका भी जिक्र बाद में किया जाएगा। तो यहां पर जो आपको फीचर मिलते हैं, एक तो बॉडी कलर्ड डोर हैंडल आपको जेटा में नहीं मिलते हैं, जो व्हील मिलता है वो स्टील मिलता है, अलॉय नहीं मिलता है। इसके अलावा ऑटो हेडलैम्प्स आपको नहीं मिलेंगे जेटा वेरिएंट में। हेडलैम्प्स वाशर जो आपको दिखाया था बहुत सारी वीडियोस में आपने देखे थे, वो भी आपको इसमें नहीं मिलने वाला है इसके बेस वेरिएंट जेटा में। इसके अलावा इसमें आपको LED हेडलैम्प नहीं मिलेंगे, नॉर्मल हेडलैम्प मिल जाएंगे। साथ ही फॉग लैम्प भी आपको मिसिंग मिलने वाला है और डार्क ग्रीन ग्लास भी आपको जेटा वेरिएंट में नहीं मिलेगा। जेटा में आपको ORVM एडजस्टेबल तो मिल जाएंगे लेकिन ये रिट्रैक्टेबल नहीं, यानी कि जब आप चाबी से बंद करोगे तो फोल्ड नहीं होंगे और जब खोलोगे गाड़ी को तो खुलेंगे नहीं। इसके अलावा पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिसिंग है, चाबी से स्टार्ट करिएगा गाड़ी तो आपको चाबी से स्टार्ट करना पड़ेगा जेटा अगर आप लेते हैं। और क्रूज कंट्रोल आपको मिसिंग मिलने वाला है, अच्छा फीचर है आज के लिहाज से, अगर आप एक पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं बढ़िया माइलेज निकालना चाहते हैं यमुना एक्सप्रेसवे जैसे रास्ते पे हैं जो दूर तक चला जाता है और ट्रैफिक नहीं दिखता तो वहां पर बहुत काम का फीचर है, तो इसमें क्रूज कंट्रोल आपको मिसिंग मिलने वाला है। साथ में लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें नहीं मिलेगा, नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है, बाद में आप जो आपको करवाना होगा करवाइएगा। क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, मैनुअल है। और साथ में स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इस गाड़ी में मिसिंग है जो आपको नहीं मिलने वाला है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बेसिक नहीं मिलेंगी जो आपको टॉप वेरिएंट अल्फा में मिल रहा है। साथ में सराउंड सेंस पावर्ड बाय आर्कमेस ये भी आपको मिसिंग मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलने वाला है जेटा में, तो जेटा से उम्मीद मत करिएगा। स्मार्ट प्ले प्रो जो दिया गया है इसमें आपको 7 इंच का मिलता है, टॉप वेरिएंट में आपको बड़ा मिलता है।
मारुति सुजुकी जिमनी 5 मोनोटोन और 2 ड्यूअल टोन रंगों में उपलब्ध है और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे रंग मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं। ये गाड़ी काफ़ी कैपेबल है और बहुत सारी जगहों पर इन्होंने बहुत अच्छा किया है। आपने हमारा इंटरव्यू शशांक श्रीवास्तव जी के साथ देखा था जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी। आई बटन पर दे रहा हूँ, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा दोबारा से अगर कोई कन्फ्यूज़न है। अगर कीमत की बात करेंगे तो कीमत मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा कंपनी को, क्योंकि ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट के तहत यहाँ पर लेके आए हैं, लेकिन जिस तरीके से फीचर को मिस किया गया है जेटा में, मतलब नहीं दिया गया है, उस लिहाज से लग रहा है जो जेटा की जो कीमत होगी ना वो काफ़ी कॉम्पिटेटिव हो सकती है और हो सकता है आपको ये सरप्राइज भी करे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताना, और अगर और गाड़ियों के आप वेरियंट समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियोज़ और बनाएँ तो भी आप कॉमेंट करके बताइए यहाँ पर, जिससे हम और सारी वीडियोज़ आपके सामने ला सकें। तो चलिए अब आपकी बारी है कॉमेंट करने की, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।